सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरा चीप मोटो व्लॉगिंग सेटअप क्या है, जिसको मैं यूज़ करके एकदम प्रोफेशनल क्वालिटी का जो है मोटो व्लॉग शूट करता हूँ, बिना किसी कैमरे के, केवल मोबाइल फ़ोन से शूट करता हूँ। और आप लोग आज देखोगे वीडियो, आप लोग भी सोच समझ जाओगे कि हम लोग को कोई बहुत ज़्यादा हाई वेरियंट सेटअप की ज़रूरत नहीं होती है मोटो व्लॉगिंग करने के लिए। आप लोग अपना नॉर्मली फ़ोन से भी कर सकते हो, प्लस 200-300 रुपये के एक इक्विपमेंट या एक गैजेट कह लो, उसको यूज़ करके भी आप लोग बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल एंड हाई क्वालिटी जो है मोटो व्लॉगिंग शूट कर सकते हो। तो प्लीज़ मैंने एंड तक मैं आप लोगों को सारी डिटेल्स देने वाला हूँ कि कैसे मैं यूज़ करता हूँ और क्या यूज़ करता हूँ और माइकिंग सेटअप क्या है मेरा, उसके बाद जो है फ़ोन इतना स्टेबल कैसे रहता है। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो भाई, सबसे पहले अगर मोटो व्लॉगिंग की बात हो रही है, बात कर लेते हैं हम लोग हेलमेट की। तो देख सकते हो ये है मेरा स्टील बर्ड का हेलमेट, जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाया था। लगभग 2200 रुपये का था ये हेलमेट उस वक्त, अभी आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। इसका जो शीशा है ये पूरा ब्लैक है और एक हम लोग को ट्रांसपेरेंट भी मिलता है, और यहाँ पर एयर वेंट्स हैं जिससे कि हमें एयर आती है, और यहाँ पर भी एयर वेंट है। खैर, इस एयर वेंट का तो कोई यूज़ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो मैं आप लोग को दिखाऊंगा एक माउंट हम लोग लगाते हैं, तो उससे जो है एकदम वीडियो स्टेबल बनती है और एकदम प्रोफेशनल बनती है। बाकी आप लोग पूरा हेलमेट देख लो, बहुत ही अच्छा हेलमेट है, बहुत अच्छी क्वालिटी का। इसमें पैडिंग है अंदर, मतलब कि पैडिंग मतलब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ से जो है ये हेलमेट पूरा ओपन हो जाता है, यहाँ पे हम लोग इसका जो माइक सेटअप है बहुत ही ईजिली कर सकते हैं, ताकि क्योंकि ये ओपन हो जाता है। आप लोगों को अगर मोटो लॉगिंग शूट करनी है तो आप लोग को भी यही वाला पैडिंग वाला हेलमेट की जरूरत होने वाली है, क्योंकि नॉर्मल जो हेलमेट होता है उसमें आप लोग वायरिंग नहीं कर पाओगे। तो अब देख सकते हो ये है हमारा हेलमेट, और यहाँ पे मैंने किया अपना माइक का सेटअप। देख सकते हो कि ये है हमारा माइक का एंड, और यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने कॉटन लगाया है और यहाँ पे टेपिंग कर दिया है। इससे क्या होता है कि हमारा जो माइक है इसमें एयर वगैरह नहीं आएगी। कॉटन जो होता है वो एयर को रोकता है, हमारी जो वॉइस जो हम लोग बोलते हैं वो फटती नहीं है, बहुत कम फटती है। और जो हम लोग बोलते हैं जो हल्की हल्की जो हम लोग के मुँह से एयर निकलती है, वो जो है इससे जो है नॉइज़ जो है ख़राब नहीं होगी, डिस्टॉर्ट टाइप की नहीं होगी, और बाहर से जो एयर आती है उसको भी ये जो है प्रिवेंट करता है माइक के अंदर जाने से। तो ये था हमारा बेसिक सा हेलमेट सेटअप। आप लोग वैसे हेलमेट सेटअप कर सकते हो। अगर आप लोग को वीडियो चाहिए पूरा कि आप लोग कैसे कर सकते हो अपने घर पे ऐसा हेलमेट सेटअप, तो मेरे पे कमेंट कर देना, मैं आप लोग को एक डेडिकेटेड वीडियो बना के दे दूंगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग मेरे बैग की। तो देख सकते हो यहाँ पे है मेरा बैग, जिसमें मैं मोटो व्लॉगिंग का सामान रखता हूँ। हमेशा जो है मैं कैमरा लोअर लगा के नहीं घूमता हूँ अपना फ़ोन, क्योंकि जो है ऐसे थोड़ा भारी रहता है। जब मुझे लगता है कि मोटो व्लॉगिंग शूट करनी है तो मैं ये बैग रखता हूँ अपने साथ मोटो व्लॉगिंग में, थोड़ा ये अच्छा लुक भी देता है। आप लोग भी ऐसा बैग ले सकते हो ऑनलाइन, आप लोग देख सकते हो ये वाला बैग है। और अभी मैं आप लोग को इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो मोटो व्लॉगिंग शूट करते वक्त मेरे बैग में ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, मेरे बैग में बस एक बॉटल रहती है, और बाकी ये जो है आप लोग देख सकते हो ये है हमारा मेन माउंट, जो कि हमारे हेलमेट में लगता है, यहाँ आगे लगता है हेलमेट में, आप लोग देख सकते हो ऐसे लग जाता है। और इसमें जो है हमारा फ़ोन लगता है, और बहुत ही ज़्यादा मजबूत माउंट होता है। आप लोग इसको बहुत ही ईजिली फ्लिपकार्ट से जो है 300 तक का आप लोग ऑर्डर कर सकते हो, और बहुत ही अच्छा माउंट है। आप लोग लेना चाहो तो मैं आप लोग को लिंक जो है इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो ये माउंट। और बाकी जो है मेरे फ़ोन में जो है यार टाइप सी है, हमारे में ऑडियो जैक का नहीं है कि हम लोग डायरेक्टली माइक अपने जो है फ़ोन में कनेक्ट कर लें, वो वाला ऑप्शन नहीं है मेरे में, तो मैं ये यूज़ करता हूँ टाइप सी टू ऑक्स कन्वर्ट। तो इससे क्या होता है मैं अपने फ़ोन में लगाता हूँ यहाँ पे टाइप सी में, और यहाँ पे जो है इसका ऑक्स लगाता हूँ। तो बाकी यही था हमारा मोटो व्लॉग का मेन सेटअप, आप लोगों ने देखा। बाकी आप लोगों को कोई भी वीडियो चाहिए होगा माइक के लिए, या फिर आप लोगों को वीडियो का कैसे लगाना है माउंट, वो आप लोग कमेंट करना, मैं आप लोगों को बता दूंगा। बाकी मैंने सिंपली आप लोग को अपना सेटअप दिखाना था आज, जो कि दिखा दिया। तो आज के लिए तय था, अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।